हेलो दोस्त, आप लोग के बताएंगे आज कैसे चपाती रोटी बनाने जाते। तो हम 1 कप गेहूं के आटा ले लिए हैं, नमक ले लिए हैं स्वाद अनुसार, और इसमें थोड़ा तेल दे दिए हैं। तो तेल पूरा तरह से हम मिला रहे हैं, देखिए मिला दिए हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी दे के हम इसको गोत लेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे के देखिए हम गोत लिए हैं, फिर से थोड़ा सा तेल लगा के फिर ढक दे रहा है 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हम उबले हुए आलू ले लिए हैं, तो इसमें जलजीरा पाउडर मिला रहा है, इसमें थोड़ी जीरा पाउडर मिला रहा है, और थोड़ा हल्दी मिला रहा है, तो कलर अच्छा लगेगा इसमें देखने से। स्वाद अनुसार नमक मिला रहा है, और इसमें तेल दे दे रहा है 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर मिला रहा है इसमें, और धनिया के पत्ता मिला रहा है। तो पूरा हम इसको मिला देंगे बढ़िया से। तो देखिए मिला दिए हैं, तो फिर यहाँ पर 10 मिनट पूरा हो गया है, तो आटा हमारा बढ़िया से तैयार हो गया है। तो फिर थोड़ा सा हाथ से मसाज कर दे रहा है इसमें के, तो इसमें से एक ही थोड़ा सा आटा हम ले लेंगे, देखिए इतना ही लिए हैं। तो इसमें हाथ के से बढ़िया से गोल बना देंगे, गोल बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा हम सूखा आटा छोड़ देंगे। और फिर धीरे धीरे इसको हम बेल लेंगे, तो इसी तरह से बेलना है, ना पतला होगा ना मोटा होगा, इसी तरह से। तो हम बेल लिए हैं, तो थोड़ा घी दे दे रहा है इस पर हम, तो घी देने के बाद बढ़िया से मिला दे रहा है। तो और थोड़ा सा हम इस पर घी दे रहे हैं, क्योंकि कम नहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही देना चाहिए, तो इसमें हम मिला दे रहा है बढ़िया से। देखिए मिला चुके हैं, आज जो चोखा हम बनाया था चोखा भी इस पर हम बराबर करके दे दे रहे हैं, चारों ओर से बराबर करके दे रहे हैं। तो इस पर हम थोड़ा सूखा आटा भी छोड़ दे रहे हैं, लेकिन चाकू से हम काट ले रहे हैं। बस पूरा काट लिए हैं, अब हम एक किनारे से हम मोड़ लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मोड़ना है, मोड़ने के टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जिसको ढील ना रहे, तो टाइट टाइट करके मोड़ दीजिएगा। देख लीजिए इसी तरह से मोड़ना है, तो हम पूरा मोड़ लिए हैं, देखिए पूरा हम मोड़ लिए हैं। तो इस पर थोड़ा सूखा आटा छोड़ के हाथ के इशारे से दाबोट दे रहा है, तो फिर थोड़ा उल्टा के इस बार फिर हम जलजीरा सॉरी मंगरेल छोड़ दे रहा है। तो इसी तरह से तो हाथ से भी दबाई दीजिएगा, धीरे धीरे इसी तरह से बेल लीजिएगा, हल्का हाथ से बेलना है। तो देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है चपाती रोटी। तो तवा दे दिए गरम के लिए, तवा हमारा गरम हो चुका है, तो उस पर हम परोठा छोड़ दे रहे हैं। तो इसको फिर से हम थोड़ा उल्टा ही दे दे रहे हैं। तो इसको बनाना है तो धीमी आंच से बनाइएगा, बढ़िया से उल्ट पलट के सेक के तब बनाइएगा। और हम फिर इस पर घी छोड़ दे रहे हैं, तो घी थोड़ा सा ज़्यादा ही छोड़ दीजिएगा, और इसी तरह से आप बनाइए। देखिए कितना बढ़िया बने हैं, और किनारे से कोहू से फटा नहीं है। फिर और थोड़ा सा इसमें हम घी छोड़ दे रहे हैं, तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। देखिए एक ठो हम बना लिए हैं, तो फिर दोबारा एक ठो हम बना रहे हैं, तो ये भी बन के हमारा तैयार है, और इतना बढ़िया इसमें कलर भी आए हैं। तो आप लोग ज़रूर इसी तरह से बनाइए, और ज़रूर हमारा वीडियो देख लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देखिए हम बनाए हैं चपाती रोटी, तो कोहू फाटा नहीं है किनारे से, इसमें आलू भर के हम बनाए हैं, मोड़ने से भी मोड़ जा रहा है, कोहू से फटा नहीं है, और इतना बढ़िया हमारा बन गया है। देखिए हम उठाई के भी आपके चारों ओर से दिखा रहा है जहाँ से लहर पड़े हैं। तो इसी तरह आप लोग बनाइए, और इसका बोलता है चपाती रोटी, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, घर में ट्राई कीजिएगा, मेहमान आई हैं तो बना के भी आप खिला सकते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये हमारा पूरा बन के तैयार हो गया है, और इतना बढ़िया हम बने हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।